हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग आयरलैंड से भाई ना क्या भाई ना बाहर चल रही भाई बड़ी ऐसी हवा लेकिन भाई ना आज के दिन है स्पेशल तभी भाई आज के दिन व्लॉग बनने लग रहा है आयरलैंड में। अगर आप गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, गाड़ी बाय करो ना फर्स्ट टाइम तभी ना ये वीडियो आपने देखनी जरूरी बनती है। यूके में आयरलैंड में दोनों में सेम चीज़ है। चल बेटा अंदर चल क्या कि भाई टी शर्ट वगैरह पहन के तो खड़े हो गए अपने जिम वाली, लेकिन जिम का प्लान आज कैंसिल करके आज आपको गाड़ी की सैर कराते हैं, यानी कि भाई गाड़ी यहाँ पे हमने लेने जाना है और कौन सी गाड़ी हम बाय करना है, क्या कुछ गाड़ी बाय करने से पहले आपको पता होना चाहिए आयरलैंड में। नहा धो के तैयार होके फिर चलते हैं भाई ना, राजन ने भी खाना खिलाया था। चल बेटा फिनिश कर जल्दी, देखते हैं अभी क्या बनेगा वहां जाके। देखते क्या सोच रहे, कैसी लगी कैसे गाड़ी का रंग, कैसा लगा गाड़ी का जो लीटर है इंजन है, क्या कुछ कहता है? अगर कोई फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस होगी वो सस्ती होगी भाई ना। जो मेन चीज है ना दलवित के बलिए भाई, हमने गाड़ी बाय कर रहे हैं तो आयरलैंड में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, ऐसी गाड़ी बाय करो जहाँ पे भाई आपका एक्सपेंसिस कम हो जाए, इंश्योरेंस का, टैक्स का, गाड़ी का टैक्स पे करना पड़े तो भाई यहाँ पे 3 मंथ के बाद या फिर ईयरली उसका भी टैक्स कितना होगा इस गाड़ी का अगर जो वो हमने बाय कर ली ना तब आपको बताएंगे भाई ना। और ठीक ठाक प्राइस पे ले रहे हो गाड़ी, और हीटर चला दिया भैया अपना, ये देखो हमने ना नवा बॉयलर लगवाया था, बिल्कुल साइलेंट अभी इसका नहीं पता लग रहा है बिल्कुल भी, तो इसमें पानी गर्म होने लग रहा है और नहा दो का फिर निकलेंगे भाई अपना ना। निकल चल चल चल, इंडिया वाले शूज है नी। ले भाई एक और हो गया अपने साथ में जो कि भाई अपना गाड़ी वाला एक्सपर्ट, फोर गियर नहीं है वो जोन सा भाई चैनल पर। क्या है पापा? हाँ बेटा क्या कहते ओपस हाउस बंदे के घर पे जाके गाड़ी बाय करो, लेकिन हम कहीं और पे जा रहे। क्या भाई सजी ने अपने आप तो बोला आप बंदे घर पे जाके बाय करो, लेकिन क्या हो गया मैंने भाई बंदे को बोला कि भाई मैं आपके घर पे जाके बाय कर लूं, वही कह रहा है सिक्योरिटी रीजन में नहीं बुला सकता अपने आप ना। चलो कोई नहीं चला, तो बंदा कह रहा है कि भाई मैं सिक्योरिटी वगैरह में काम करूँ तो मैं अपने घर का पता नहीं देना जा, तू वैसे भी आप गाड़ी चेक कर लेना या फिर चेक करा लेना कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो कोई नहीं चेक कर लेके भाई ना। चलो बेटा हाँ, तो भाई ना गाड़ी लेने से पहले हमारे पास क्या सिर्फ कैश लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं हमारे पास, साथ में इंश्योरेंस वाले को फोन मार देंगे इन केस अगर घर पे गाड़ी लेके आनी पड़ गई, वो देख लेंगे भाई ना क्या कुछ होता है ये भाई। हाँ ये हम क्यों कर रहे हैं आधे आधे, क्योंकि जिस हिसाब से बार्गेन होगी उसी हिसाब से डील होती रहेगी, समझे रहो ना यार इंडियन बेसिक करते हैं। देखिए यो तो मैंने पूरा ड्रग डीलर लग रहा है बंदा, पूरे हिसाब से राइन को भी पकड़ा दे। पहले तो यही टारगेट रहेगा गाड़ी की इंजन वगैरह सब कुछ चेक करके और गाड़ी की लॉग बुक वगैरह चेक करके कितने ओनर है गाड़ी के सब कुछ चेक करने के बाद ही भाई अपना बताएंगे आपको कैसे डील वगैरह होती है आयरलैंड में ना। ये लो भाई ना स्ट्रॉबेरी की छोटी सी दुकान लगा रखी, देखो यार ले लिया था स्ट्रॉबेरी, पर मैं देखेंगे फिर तो पीछे बैठे वो दिलवा देगा अपना, तो टेंशन क्यों ले रहा। सही कहा, तेरा काम है अभी गाड़ी तो बढ़िया दिलवानी है, जबकि ना भाई ना बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे तुम टेंशन ना लो। मैं चलो कोई नहीं स्ट्रॉबेरी की पूरी दुकान दिलवा देंगे तेरे ना। अभी पहुंचने वाले हैं हम नियरली भाई 10 मिनट की ड्राइव है यहाँ से ना, तो फिर जाके अपना देखेंगे भाई गाड़ी कैसी है। मेन तो है कि पेंट शेंट गाड़ी के ऊपर है और डोर शोर और साथ में लॉक बुक सब कुछ सेट है ना, तो पहले तो यही चीज़ देखनी होती है, उसके बाद भाई अपना गाड़ी का इंजन उंजन। चलो भाई यानी कि जहाँ पे बंदे ने दिखानी है ना भाई पार्किंग में आ गया, और क्या बढ़िया भाई जबरदस्त लोकेशन है। लो भाई ऐसी ऐसी पार्किंग में उसने बुला लिए, तो मेन जो हमारा टारगेट रहेगा कि भाई बंदा सही हो गाड़ी सही हो, ये दो मेन चैलेंज रहेंगे। लेकिन भाई ना हवा भी बड़ी बढ़िया चल रही बाहर। लो भाई ना बंदा कह रहा है कि मैं 5-1 मिनट में आ जाऊँ, मैं चलो कोई नहीं गाड़ी बैठ कर वेट कर लाइए, अभी बोर हो गया भाई ना पीछे बैठा हुआ। क्या बेटा अभी थोड़ी देर में चलेंगे गाड़ी देख ला, जिस काम वास्ता है जिस काम वास्ता हमने बंदा हायर कर रखा आज ना, स्पेशल मिस्त्री बुला रखे भाई, फोर गियर्स नहीं है जो सी वो चैनल आवा सीरीज आवा उसका मेन बंदा बुला रखा गाड़ी बायो करने वास्ता ना। नीचे है रस्टिंग है ना, क्या कहता है मैंने लगता नहीं रस्टिंग रिस करेगा तो पता अपना काट भी लेगा, देसी लग रहा है ना गाँव का हो ना। ले भाई गाड़ी का तो अपना डील होनी पाई है और बैड लक है ना, बट वही है जकीन भाई ना पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कहा अभी गाड़ी के नीचे था ना भाई वो रस्ट था काफ़ी, गाड़ी चलाने में अच्छी थी ठीक थी बढ़िया थी, बार्गेन भी कर लेते सब कुछ हो जाता, लेकिन वही कहना जग्गी का कि यहाँ पे भाई ना साल में एक बार NCD होती है तो उसमें गाड़ी को फेल कर देते हैं, तो मेन जो गाड़ी होता है भी निचला इससे भी देखने वाला होता है, क्योंकि वो रैंप पे ऊपर चढ़ा के ना फिर आपकी गाड़ी टेस्ट करते हैं, तो वो अगर फेल हो जाती है तो आप गाड़ी चला सकते हो भाई ना। ये भी मेन चीज देखनी जरूरी है, कैच सारे भाई कैच इकट्ठा करिए अपनी जगह सर भाई, बी का नोट भी काट लो
हमने तो पूरे भाई ना कैश ही इधर उधर रखा था, मैं चलो बढ़िया प्राइस पे मिल जाएगी गाड़ी ना, अच्छी थी गाड़ी, चलाने में ठीक थी, चला के देखी जग्गी ने सब कुछ। और उन्होंने पता है अभी वो हैगी है, उन्होंने पता जग्गी को बोलने लगे हैं बेटा जो पिज़्ज़ा मैक्स की भाई पूरी एडवर्टाइज करा मेरा बेटा, जो बेटा गाड़ी मिल जाती है ना तब लेते हैं ना पिज़्ज़ा मैक्स। नो पापा, तो कोई नहीं भाई, देखते हैं एक दूसरी गाड़ी कोई और चेक करेंगे। तो वही है, अगर एक बार आपने इन्वेस्ट करनी है तो बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट कर दो, क्यों बार बार पछताने की बजाय। रस्टिंग बिग मेजर इशू, रेनिंग सीजन में थे रस्टिंग, एक बार स्टार्ट आता गई गाड़ी। ठीक 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 पिज़्ज़ा मैक्स है भाई ना, अगर आपने व्लॉग देखे हो अपने तो जरूर ट्राई करके देखना एक बार। लो भाई ना, जो घना गाड़ी देखने गए तो वो तो अभी उसमें सक्सेस मिली नहीं है, लेकिन सब्र करो, कहना एक और गाड़ी देखी है भाई, तो शाम के टाइम देखते हैं अगर वहाँ पे बात बन जाती है कौन सी वो गाड़ी होगी, वो अभी आपते दिखाएंगे और क्या कुछ प्राइस पे वो गाड़ी मिलेगी अगर जो वहाँ पे जाने का लगा। उसको बंदे को फ़ोन मारा लेकिन कह रहे कि भाई 6 बजे के बाद आना, तो मैं चलो कोई नहीं ट्राई करेंगे भाई ना, शाम के टाइम ही चले जाएंगे ना। फाइनली अपना घर पे आके बैठ के, सुबह के निकले हुए थे भाई आज भाई ना, जिम भी नहीं जाएंगे। ला बेटा ला ला, यो कह रहा भी मेरे तो अब गेम दो क्योंकि वो सुबेर का भी हमारे साथ ही घूम रहा है। ला पकड़, थोड़ी देर देंगे भाई इसते फोन ना, अगले वीक थे इसके भी स्कूल शुरू है। तो भाई ना जो हम गाड़ी देखने गए थे ना मेन जो उसका भाई मेरे को भी नहीं पता था, जो अपने साथ में भाई गया हुआ था वो भाई ना ऐसे ही चला गया, क्या भाई मेरे को भी ले चलो, मैं चल भाई ना, लेकिन उसने भी ना वाकई में नॉलेज थी या नहीं, काफी नॉलेज थी उसने सारी, मतलब की जो चेसी वगैरह हो जो सारी, मतलब उसके नीचे भाई ना जर लगा हुआ था गाड़ी के नीचे ना, उसमें कहते हैं एनसीटी अगले साल आपकी फेल हो जाएगी। तो भाई काफी चीजें अपना देखनी पड़े आप गाड़ी बाय कर रहे हो, क्योंकि गाड़ी लेना आसान है, गाड़ी को भाई ना सेल करना बड़ा मुश्किल अगर आपने महंगे रेट पे कोई गाड़ी ले लिया है। वही था ड्राइव सही, मतलब इसने चला के देखी तो सही थी, लेकिन अगर कमियां कार्ड नहीं हो तो नीचे से सारी चीज देखनी चाहिए, तब पता लगता है कार का। और साथ में उसके बाद भी ना बार्गेन भी करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता भी नहीं क्या प्राइस वो लगा रहे हैं कि कितने तक वो नीचे ले आएगा, तो आपको अपने हिसाब से गाड़ी की प्राइस नीचे करनी पड़ती है उसकी कमियां निकाल के। जग्गी भाई ने भी ना वाकई में ठीक ठाक अपना देखी गाड़ी, लेकिन स्टूडेंट वगैरह गाड़ी ले सकते हैं ना ले सकते हैं भाई ना, वाकई में ले सकते हैं, कुछ भी ले लो भाई ना, आपका राइट्स है यहाँ पे ना, घर को छोड़ो कुछ भी ले लो भाई। ये क्या है? अच्छा खेल ले थोड़ी देर, 10 मिनट देंगे भाई इस गेम, ठीक है राइन, टाइमर लगाया इस बार टाइमर लगा, जिसे ना पता भी ना टाइमर लगा लिया तो एकदम ले लगा इसको ना। तो ट्राई करेंगे भाई ना कल अपना कोई और गाड़ी लेके आएंगे, और साथ में अगर जो ले ली तो भी ना उसके बाद आपको दिखाएंगे भी क्या प्रोसेस होता है कि गाड़ी उसके नाम से आपके नाम हो जाए, वो कैसी होती है क्या प्रोसेस होता है, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो यही थी भी आज की एक छोटी सी वीडियो, चलो रोटी राटी बनाओ अभी। हाँ गाड़ी का भी यहाँ पे भी ना फायदा है, क्योंकि बस के ऊपर आप रिलायबल कर, बस के आप ऊपर यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते हो कब आ रही है कब नहीं आ रही है, कई बार आपके भाई ना क्या ना दिहाड़ी अपना काम करने कहीं पे आप जा रहे हो वो भी छूट जाता है भाई ना, तो बेटर है कि गाड़ी ले लो, गाड़ी ऐसी से शुरुआत करो जो भी ना छोटा इंजन हो जिसमें पेट्रोल कम लगे, साथ में आपके इंश्योरेंस भी कम हो, ऐसी गाड़ी देख रहे हैं कल जो मिल गई तो आपको जरूर दिखाएंगे, नेक्स्ट लोग जरूर चेक करना कि भाई ना कड़ी बना दी थी कल वाइफ ने, और इसी में भाई ना तड़का छड़का लगा लेना, तो आज तो भाई ना टाइम नहीं मिला है। तो ये थी भी आज की एक छोटी सी वीडियो, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन।